सो गाइज, क्या आप लोग भी अपने माइंड का पॉकेट एडिशन को कुछ ऐसे पुराने वाले कंट्रोल्स के साथ खेलते हो जो कि आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं और आपको न्यू कस्टमाइज कंट्रोल चाहिए? सो हाय गाइज, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के एक और नई वीडियो के साथ। एंड आज मैं आपको देने वाला हूँ माइंड का पॉकेट एडिशन के लिए कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन कंट्रोलर जिसकी मदद से आप माइनक्राफ्ट को कुछ यू खेल सकते हैं। जी हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड यार मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मेरे को अभी तक ये DM आते हैं कि भाई आप कंट्रोलर्स के साथ कैसे खेल सकते हो, मेरे को बताओ। तो आज मैं उस राज से पर्दाफाश करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं माइनक्राफ्ट में कंट्रोलर्स के साथ खेलता हूँ कुछ ऐसे, और RTX भी चला लेता हूँ। काफ़ी इजी तरीका, आप लोग भी कर सकते हो। थोड़ी सी आप लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होगी, वो मैं बताऊंगा वीडियो में। एंड कुछ ऐसे आप लोग प्ले कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी कस्टमाइजेशन कंट्रोलर्स ऐड कर सकते हो। एंड ये कोई ऐड ऑन नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करते हैं। एंड साथ साथ आप इसमें RTX भी चला सकते हो। जी हाँ, अभी तो मैं बैडोक एडिशन अपने फ़ोन में खेल रहा हूँ, या फिर कह सकते हो पॉकेट एडिशन और विथ कैली RTX। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है एंड काफ़ी स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा क्या क्या करना होता है, फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा, इजी तरीका है। एंड यहाँ सब कुछ अपने RTX वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हो। बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए आप लोगों को, जो कि मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। आई नो वो सुनते ही आप लोग यार मतलब बोलोगे यार क्या बता रहा हूँ, लेकिन खैर कोई ना, मैं आप लोगों को इजीली बताऊंगा। एंड ये देख सकते हो कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस RTX एंड कंट्रोलर्स यार बहुत हार्ड होते हैं, वैसे तो ईजी कंट्रोल्स नहीं है। मैं भी पहली बार ये कंट्रोल्स के साथ खेल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही थी, मगर धीरे धीरे इसको चलाना सीख जाओगे एंड काफ़ी स्मूथ चलता है ये कंट्रोल्स यार। क्या माइंड का पॉकेट एडिशन में ये आ जाए, लेकिन पता नहीं आएंगे कि नहीं। एंड अगर कोई ऐड ऑन बनाने वाला बंदा देख रहा है तो यार प्लीज़ ऐसे ऐड ऑन बना दो। अभी तो ये मैं कोई ऐप की मदद से ही कर पाऊँगा, ये तो मैं अभी ऐप की मदद से कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ऐप्स भी बताऊँगा कि इसकी मदद से ये कर पा रहा हूँ। एंड बहुत ईजी तरीका है, थोड़े मोड़े चीज़ें आप लोगों को चाहिए इसको करने के लिए। एंड आगे चल के आई गेस इसका कोई ऐड ऑन आ जाए माइंड का पॉकेट एडिशन के लिए कस्टम कंट्रोलर्स करके, तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी बंदों के लिए काफ़ी ईजी होगा PvP या फिर ब्रिजिंग करने में। वैसे तो ये वाले कंट्रोलर थोड़े से हार्ड होते हैं, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। L1 R1 या R2 ये सब देख लो, कुछ ऐसे दिखते हैं एंड थोड़ा सा हार्ड होता है कंट्रोल्स। मेरे को भी यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स हैं, मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत कर देना। उससे पहले यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आई नो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मगर यार कर दो। एंड गाइज लाइक भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो का एक लाइक है, मैं वीडियो का लाइक है मैं 4K लाइक से। आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो यार प्लीज़ कर देना। ये शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार काफ़ी सारे बंदे नहीं करते हैं। देखो मैं इंट्रो में नहीं बोलता ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी बंदे यार नहीं करते। तो कर दो, हम लोग 300K सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक हैं। तो चलो मैं आप लोग बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। अभी तो मैं थोड़ा मेरा गेम प्ले बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है, स्मूथ चल रहा है। इसमें आप लोगों को देखो तीन चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पहले तो आपको ऑब्वियसली फ़ोन चाहिए होगा, फ़ोन या फिर iOS है, या फिर आप एंड्रॉयड में भी कर सकते हो, इतना याद रखो, एंड्रॉयड एंड iOS है दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ क्या चाहिए आप लोगों को, दूसरी चीज़ चाहिए आप लोगों को सबसे अच्छा इंटरनेट, ठीक है ना। अच्छा इंटरनेट चाहिए, दो चीज़ें हो गई, फ़ोन चाहिए iOS है या फिर एंड्रॉयड, एंड एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। और मेन चीज़, जी हाँ एक और मेन चीज़ चाहिए, वो चाहिए PC, यस PC या फिर लैपटॉप, ठीक है ना, PC या फिर लैपटॉप। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपको ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट भी चाहिए, बाय करो या फिर जो करो आपको एक माइनक्राफ्ट भी चाहिए। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें चाहिए। तो आई नो कुछ बंदे तो अभी भी छोड़ के भाग चुके होंगे, लेकिन जिन बंदों को जानना है तो चलो मैं आप लोग बताता हूँ इसका ट्यूटोरियल कैसे करना होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना फ़ोन लेना, उसमें इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना, और इसको सबसे पहले आपको ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर, यानी कि आप अपने एंड्रॉयड या फिर iOS में कर सकते हो ये ट्रिक। तो सबसे पहले आपको ऐप स्टोर खोलना है या फिर प्ले स्टोर, और वहाँ पे सर्च करना है मूनलाइट स्ट्रीमिंग गेम। ये देख लो ऐसा ही कुछ आपको सर्च करना है, ये सेम चीज़ मैं आप लोगों को एंड्रॉयड में भी दिखाऊंगा। ये देख लो मूनलाइट है, तो सिंपल आपको ऐसा कुछ चाहिए होगा तो ये ले लेना। और सेम चीज़ ये एंड्रॉयड में भी काम करता है, तो आप एंड्रॉयड एंड iOS में अभी काम कर सकते हैं, दोनों चीज़ में कर सकते हैं। तो ये देख लो यहाँ पर भी आपको सेम एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। ये कर लेने के बाद आपको अपना PC ऑन कर लेना, याद रखना आपके PC में माइंड का फोन होना चाहिए। देन इसके बाद इस ऐप को ओपन करो, एंड यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा तो इसको ओके कर सकते हो, तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। देन अब चलते हैं हम अपने PC की तरफ, क्योंकि अब बाकी के काम PC में ही करना। तो यहाँ पर मेरे PC में GeForce और यहाँ पे माइनक्राफ्ट ऑलरेडी, आप लोग माइनक्राफ्ट जावा या भी पॉकेट कर सकते हो। तो ये देखो GeForce है,
तो अभी मेरे पास माइंड का बैटो करीज है ना, तो जी फोर्स को आप लोग ओपन कर लेना। आप लोगों को पता ही होगा ये जी फोर्स क्या है, ज़्यादा कर अगर बंदे को पता नहीं है तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इसमें देखो माइंड का बैटो करीजन ऑलरेडी है, तो सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाना और नीचे शील्ड वाले ऑप्शन पर जाना और इस गेम शील्ड को ऑन कर देना। ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना। बस ये जैसे ही ऑन करोगे तो अपने मूनलाइट एप्लीकेशन में आप लोगों को आपके पीसी का दिख जाएगा। बस सेम चीज़ रहना चाहिए कि आपका सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो मेरा पीसी का आ चुका है। अब मैं सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मेरे पीसी में एक चीज़ आएगी, तो मैं आप लोगों को दिखा देता। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर एक पिन बोलेगा डालने के लिए, ये देखो गेमिंग पिन जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पिन ये रहा, तो सिंपली ये वाला पिन मेरे को डालना है। इस पिन सब किसी में अलग अलग होता है, तो आपके पीसी या फिर लैपटॉप के हिसाब से सब में अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये वाला पिन मैं डाल लेता हूँ, ये देखो डाल दिया मैंने। देन यहाँ पर जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, जी फोर्स और ये मूनलाइट, ये देखो दोनों में कनेक्ट हो चुका है। यहाँ माइनक्राफ्ट भी आने लगा। अब प्ले करने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अपने सेटिंग्स के हिसाब से, अपने फ़ोन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, गेम पैड या फिर जो कुछ भी चाहिए, बेसिकली जॉयस्टिक जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको गेम को लोड कर रहा हूँ एंड यहाँ मेरा गेम इजीली लोड भी हो जाएगा। ये देखो लोड हो रहा है, दोनों में एक साथ होगा। बस ध्यान रखना सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए और आपका वाईफाई थोड़ा मोड़ा अच्छा होना चाहिए बस। एंड फोन से कोई दिक्कत नहीं था, आप 4GB रैम में भी फ़ोन में चला सकते हो। यहाँ देखो मेरा दोनों लोड हो चुका है। यहाँ मैंने कैली आर्टिक्स यूज कर रहा हूँ, तो सेम चीज़ आएगी। और ये देखो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी भी डाउन होगी, काफ़ी अच्छी चलती है एंड लैग भी काफ़ी तो नहीं होता, थोड़ा मोड़ा करेगा अगर वो नेट के डिपेंड, ठीक है ना। नेट अगर आपका स्लो है तो लैग कर सकता है। एंड ये देखो इजीली यहाँ से मैं एक वर्ल्ड पे क्रिएट करता हूँ एंड ये देखो यहाँ पे मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ। देखो कितना स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब लैग करेगा तो समझ जाना आपका नेट थोड़ा स्लो है, तो नेट को थोड़ा सा हाई स्पीड होनी चाहिए। एंड ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है। इसके कंट्रोलर थोड़े से हार्ड है, मैं पहली बार खेल रहा इस कंट्रोल के साथ, तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है। एंड ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है। ऐसे करके आप अपने iOS में या फिर एंड्रॉयड में आप लोग खेल सकते हो। अभी तो मैं आईफोन में कर रहा हूँ, तो आप लोग एंड्रॉयड में भी कर सकते हो, सेम ट्रिक है, एंड्रॉयड में भी आप लोग देख सकते हो। एंड ये देखो कितने मस्त इजीली आप यहाँ से सब कुछ खोल सकते हो, अपने माइनक्राफ्ट को आराम से प्ले कर सकते हो अपने फ़ोन में ही। एंड अगर आप पीसी पे खेलते हो तो आप लोग फ़ोन पे भी खेल सकते हो एंड इसको आराम से कनेक्ट करो और खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ऑफलाइन आप नहीं खेल सकते क्योंकि ये स्ट्रीमिंग है, तो स्ट्रीम का समझो पीसी का आपको फ़ोन में आता है। ये देखो यहाँ पर अगर मैं पीसी में अगर कुछ करूँ तो सेम वही चीज़ फ़ोन में भी होगी। तो यहाँ से मैं देखो इसको चेंज करता एंड ये देखो सेम चीज़ हो रही है। आराम से आप इसको प्ले कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो, कुछ ऐसे आप लोग प्ले कर सकते हैं। काफ़ी बंदे यार मेरे से कंट्रोलर्स बोल रहे थे, देखो अभी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए कुछ ऐसे कस्टमाइज कंट्रोलर्स तो नहीं आए हैं या फिर कोई ऐड ऑन तो नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली एक ट्यूटोरियल वीडियो था कि आप कुछ ऐसे, अगर आपके पास पीसी है या फिर लैपटॉप है तो आप कुछ ऐसे कंट्रोलर्स को ऐड कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट में और कुछ ऐसे खेल सकते हो एंड ईजिली आप आर्टिक्स भी चला सकते हो। ये देखो ऐसे कुछ चला सकते हो, बहुत ईजी तरीका है एंड बहुत सारे बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये डाल दिया आप लोगों को ट्यूटोरियल वीडियो। वैसे तो मैं आज कुछ और ही डालने वाला था वीडियो, लेकिन मैंने सोचा चलो ये डाल देते हैं एंड थोड़े से आप लोगों को दिखाता हूँ। और काफ़ी स्मूथ चलता है, कोई तो दिक्कत नहीं आती, आप लोग प्ले करना। सो गाइस तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।